थैंक यू। ऑफ कोर्स हाय, इट इज एन अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू दीज गाइज। आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, बट है 21 में डेफिनेटली चीज़ें, बट अभी मैं बोल नहीं सकती उन चीज़ों के बारे में, आप लोग वेट कीजिए। मेरी फिल्म्स के थ्रू, मेरे आर्ट के थ्रू, आई थिंक माय आर्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। दिस इज एन कल्कि आउटफिट, दैट्स इट। नहीं, जैसे नॉर्मली सब सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही करती हूँ। सबको न्यू ईयर के लिए, क्रिसमस के लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली तो ऑलरेडी हो चुका है, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, थैंक यू। सर, ये आज ये ट्रॉफी जो है, आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने जो मेरे ज़िंदगी के नियर अबाउट 16 साल दिए, वो 16 साल की ये आज मिली हुई है ट्रॉफी, हमने जो मेहनत किया वो मेहनत का ही बड़ा, बहुत बड़ा फल है। आज दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड मिलना आज बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है, जो आज हमारा एक सपना साकार हुआ। आज ये ट्रॉफी एक हमारी एक जिम्मेदारी है, एक लाइबिलिटीज़ है। जिस तरह से आज इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने आज तक मेहनत की, इसके आगे हमारा एक ही जिम्मेदारी रहेगा कि जिस तरह से आज तक लोगों का भला चाह, वही आगे भी करते रहेंगे। ये हमारी आज से एक कमिटमेंट आपसे रहेगा। और आज रियली आभारी है हम राजकाले सर जी का, और जो भी आज दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड रिवार्ड के फाउंडर मेंबर एंड चेयरमैन साहब कल्याण जी जना जी का हम शुक्र अदा करते हैं। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उत्तम जाधव, मुंबई से हूँ मैं। गया 13 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और मैं आज बहुत खुश हूँ ये दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड मुझे जो आज मिला है। क्यों खुश हूँ? क्योंकि जब मैं 13 साल पहले जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे सामने आई थी, तब ने मैंने हाँ बोला, जिसका नतीजा ये आज मुझे अवार्ड मिल रहा है। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस ऑर्गेनाइज के चेयरमैन कल्याण जी जाना साहब, राज काले साहब, घनश्याम जी कोलंबे सर, इन सारे लोग को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। क्योंकि एक किसान का लड़का हूँ मैं, और किसान के घर से यहाँ तक आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक। ये अवार्ड मैं अपनी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समर्पित करता हूँ, और हम सभी लोग और मेरे जैसे लाखों लीडर्स, नेटवर्कर, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल्याण जी जाना और मिस्टर राज काले जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मंच पर डायरेक्ट सेलर को मौका दिया। और आप सभी मीडिया वालों का भी मैं स्वागत करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आप सब लोगों ने आज हमारे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू, जय हिंद। मेरा नाम ममता जाधव है, आई हैव डन PhD इन रेखी। तो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे रेखी ग्रैंड मास्टर के तौर पे दिया जा रहा है। सो फ्रॉम 15 ईयर्स आई एम अ हीलर। मैंने बहुत सारे काम किए एज अ हीलर। आई एम थैंकफुल टू कल्याण जी टू अवार्डिंग मी फॉर दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स। सो थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू ऑल द जूरीज। मैं तो एक्चुअली बट अगर वर्क फ्रंट पर देखें तो मेरी एक वेब सीरीज़ आई थी लॉकडाउन के ड्यूरिंग, और उसके बाद मैंने 5-6 गाने भी किए और एक और वेब सीरीज शूट करने वाला हूँ। तो 2020 इतना बुरा नहीं गया मेरे लिए, बट वैसे
ओवरऑल बहुत कुछ और कर सकता था. सो आई जस्ट होप कि नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाए. थैंक यू सर. प्रोविजन टू ऑल द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन एंड देयर फैमिलीज इन द एंटायर स्लम्स ऑफ मुंबई एंड थाने. And I'm very honored to receive Dada Saab Phalke Award. It's a prestigious award and I really thank all jury who have nominated us and given us this tribute. I have no words to express. Foundation? No, she will ask the questions. We have to introduce ourselves. I think they are not asking, so better I start. We received an award for social activist. I am founder president of Abhilasha Foundation and working for underprivileged children for their medical education. सपोर्ट वी आर इस साल ना चाहते भी फॉलो करते ही है तो मैं भी फॉलो कर ही रहा हूँ एक तरह से. और कुछ अगर नहीं कर पाता जिस दिन तो उस दिन मुझे इंटरनेट पे इंस्टाग्राम वगैरह पे दिख जाता है सब कुछ. बहुत मज़ा आ रहा है देखकर और राहुल वैद्य मेरे फेवरेट है. सो यार इससे पहले क्या मुझसे पूछते हैं रुबीना या फिर राहुल वैद्य में से लग रहा है अभी वाइल्ड कार्ड कोई आ जाए तो अलग बात है बट अभी मुझे यही दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहे हैं. जी 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 बहुत मज़ेदार है एजाज खान. डेफिनेटली वो टॉप फाइव में जाएंगे और बहुत उनमें जोश है आगे बढ़ने का. बट विनिंग क्वालिटीज़ आई थिंक रुबीना और राहुल वैद्य में लग रही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. काफ़ी लॉकडाउन के बाद ऐसे माहौल में आना बताना चाहिए. लॉकडाउन के बाद फाइनली एक मौका मिला है बाहर निकलने का, आप लोगों से मिलने का, ये अवार्ड रिसीव करने का. आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं. अवार्ड उल्टे मैम बिग बॉस आप देख रहे हैं कितना आप फॉलो कर रहे हैं शो को, थोड़ा कुछ आप बताना चाहिए बिग बॉस कितना थोड़ा थोड़ा. आपके कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है कोई? हाँ अली गोनी मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं और जैस्मिन काफ़ी पसंद हैं और या सबसे पहले तो आपसे जाना चाहिए फाल्के कितना प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए नाउ ये अवार्ड. तो ये मेरा पहला अवार्ड है तो मेरे लिए ये काफ़ी स्पेशल है. मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स और मेरी दीदी वो सब यहाँ रहे लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज हियर. But yes, this is quite a good acknowledgement of my craft and my talent. Most versatile actor in OTT ki duniya mein aapko mila hai. Jis tarah se OTT ki duniya ka growth ho raha hai, now humne Mirzapur dekhi. Ji. Mirzapur Two humne dekha. So kaise dekhte hain aap is OTT ki duniya ko? ये तो अभी और बढ़ेगा. ये जो OTT जैसे इट्स लाइक वाइल्ड फायर, ये और ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा यू नो फेमस हो जाएगा लोगों के बीच में क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन हम सब घर पे स्टक हैं तो इट्स जस्ट लाइक टू ओवरवेल्मिंग आई'd से. एंड हमने देखा कि मिर्ज़ापुर 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है, कुछ कहना चाहेंगे आप सुनकर कितना एक्साइटेड? माय लिप्स आर सील्ड बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखिए बहुत कुछ आने वाला है. एंड क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म को हम देख रहे हैं इतना बड़ा ग्रोथ मिला है, सो आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट हम आपको देखेंगे बहुत कुछ तो नहीं बता सकती लेकिन एक चीज़ बता सकती हूँ, टैक्सी नंबर 24 आने वाली है बहुत ही जल्द. उसमें महेश मांजरेकर जी भी हैं तो एक्साइटिंग टाइम्स. जस्ट वॉच मी, आई विल डू अ लॉट मोर. एंड ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, साड़ी एंड ब्लैक एंड वाइट की थीम में, तो कुछ आप बताना चाहेंगे आपके अवार्ड के साथ में मैच करती है ये? ये मैं हूँ. मैं बहुत ही ज़्यादा मैं ना तो मैं किसी एक चीज़ या बॉक्स में डलना नहीं चाहती, मैं रिबेल करती हूँ हमेशा. तो आई एम दिस, यू कैन पुट मी इन अ बॉक्स, यू कैन से दैट अरे वो तो देखिए ब्यूटी तो मन की होनी चाहिए, कपड़े तो बस इट्स जस्ट अटायर. नमस्ते. दादा साहेब फाल्के जो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता, इस अवार्ड से इस नाम से जब भी जुड़ना होता है कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सर आपके लिए? बहुत प्रिविलेज है. एक तो कल्याण जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया तो बहुत अच्छी बात है. और मुझे जिसके लिए अवार्ड मिला गया है वो बेसिकली जो भारतीय कलाकार हैं उनको विश्व भर में बाकी जिस एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि दुनिया छोटी हो रही है डिजिटल मीडियम से, इंटरनेट से, तो
क्योंकि इंडियन एक्टर्स और फॉरेन एक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग आज कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 5 साल में, उसके लिए मुझे सराहा। और मैं बाला साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, कल्याण जी जैना और आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सहन करते रहना चाहिए, जब तक हौसला अफजाई नहीं होती आर्टिस्ट की, तब तक वो अच्छा काम नहीं कर पाते। देखिए, एक टीचर का बेटा होने के नाते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वाली साहब ने कहा था कि बेटा, खाने में मज़ा नहीं, खिलाने में मज़ा है, दूसरों की खिदमत करने में मज़ा है। और उनका जुमला था जो आज तक मेरे जहन में है कि दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाओ, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। देखिए, हर इंसान में कहीं ना कहीं डर होता है, लेकिन अगर डर के घर पे बैठ जाएंगे तो गलत है। जो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए थे, मास्क था, सोशल डिस्टेंसिंग थी और सैनिटाइज करने के लिए हाथ था, वो सब हमने काम किया। इसके अलावा जितना हमसे हो सका हमने लोगों की मदद की और करना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। जब तक दूसरों की मदद नहीं करेंगे किसी भी तरह से, चाहे वो खाने के हिसाब से हो, चाहे वो इंडस्ट्री में किसी की तरह से मदद हो, मज़ा अलग आता है जी। जी 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 थिएटर आर्टिस्ट हैं, एमएस सत्यू सर के साथ दिल्ली में थिएटर किया है, फिर फिल्में भाग मिल्खा भाग, चलो ड्राइवर होते रही। तो रामपुर का जो एक कल्चर था, क्योंकि हमारा जो शो है वो बिल्कुल नेचुरल, सब हमारे डायरेक्टर और राइटर प्रोड्यूसर ने चाहा था, तो मैंने रामपुर की एक लैंग्वेज या दिल्ली 6 की लैंग्वेज पकड़ी थी। वो किस इस तरह से थी कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक हुए। कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, कसम खा के कह रही हूँ, अगर तुमने 6 महीने की तनख्वाह ना दी तो मैं तुम्हारे गुर्दे छील के रख दूंगा। बहुत तपा बैठा हूँ, कसम से कह रही हूँ, मेरी सलमा भी मुझे छोड़ के भाग गई है, बता रही हूँ मैं। थैंक यू। ब्रह्मा विष्णु आदि देव जय जय जय, देव देव महादेव जय जय जय, गणेश जननी माता माता पार्वती, ब्रह्मा विष्णु आदि देव जय जय जय, देव देव महादेव जय जय जय, गणेश जननी माता माता पार्वती, ब्रह्मा विष्णु। हाँ जी, सॉरी, बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है ये अवार्ड को रिसीव करते हुए, बिकॉज मैं जब स्कूल में थी तब मेरे फादर को ये अवार्ड मिला था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पापा से बात किया था एंड पापा टोल्ड मी हाउ इम्पॉर्टेंट दिस अवार्ड वाज एंड हाउ प्रेस्टिजियस दिस अवार्ड इज़ इन द इंडस्ट्री। एंड बहुत ही जल्द मुझे ये अवार्ड मिल गया एंड I feel really happy and really grateful for it. And best face of the year, कितना privilege moment होता है टीना जी के लिए? Privilege तो नहीं, but grateful बहुत हूँ, because ईमानदारी से काम किया था और दिल से काम किया था और लोगों ने उसको पसंद किया और support किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। So आने वाले दिनों में 2020 की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या pipeline में project होंगे एंड क्या कुछ ऐसे announcement होते हैं? जी कुछ मैं वैसे प्लान नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट, मुझे जैसे जैसे अच्छा काम मिलते रहता है मैं करते रहती हूँ, एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी एंड माय फैमिली, एंड जैसे जैसे मुझे अच्छा काम मिलते रहेगा मैं करते रहूँगी। एंड कुछ है प्रोजेक्ट्स जो मुझे ऑफर हुई है, कुछ म्यूज़िक वीडियोस भी है, सो डेफिनेटली यस, जब थोड़ा माहौल ठीक हो जाए और भी, तो आई विल डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। आज भी अगर जब डेफिनेटली मैं मेरे पापा के साथ काम भी करती हूँ बिहाइंड द कैमरा, और एक्टिंग ही नहीं बाकी बहुत कुछ भी मैं सीख लेती हूँ, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी
well read and he's like my teacher. So it's not only acting but a lot of other things also I learned from Papa. And Tina ji, you know, jis tarah se hamari industry mein hum dekh rahe hain day by day, kisi na kisi ka naam drug se jude hai. क्योंकि आप भी एक स्टार किड हैं, डैडी की सबसे बड़ी चैनल लाटी है. सो जब इस तरह से जब नाम आप सुनती हैं आपकी अभिनंदी मंडली भारती जो कॉमेडियन भारती का नाम, तो कैसे देखती हैं आप, हम कैसे रिएक्ट करती हैं? मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरी एक कंपनी है जो रिसेंटली शुरू हुई है और मुझे पापा काम में इतना बिजी रख देते हैं उनके खुद के कि मैं आई एम वेरी बैड विद रीडिंग ऑल दिस ट्विटर न्यूज़ एंड न्यूज़पेपर थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं पूरा वो सब पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पापा ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया है और मेरी खुद की कंपनी भी खोली है, तो उस सब में ही प्लानिंग में मैं बिजी रहती हूँ, तो फिर इतना मैं नहीं पढ़ पाई. सॉरी. इन सब से अगर आपको टाइम मिलता है तो क्या बिग बॉस फॉलो करती हैं? आई हैव नॉट बीन वॉचिंग बिग बॉस दिस ईयर. लास्ट ईयर देखा था मैंने थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेज में, बट इस साल नहीं. इस साल कुछ थोड़ा थोड़ा. I'm very bad, I'm sorry, but I don't even know most of the contestant कौन है क्या है. Sorry. And finally, a beautiful outfit है आपका, तो थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बताना चाहें, black and silver and आपके award के साथ. Yeah, I just wanted to be myself and बहुत टाइम बाद एक्चुअली घर से निकलना और यू नो ड्रेस अप करने का टाइम आ गया, बिकॉज ये पूरा ऑलमोस्ट द होल ईयर हम सब घर पे ही बैठे थे एंड वी वर ऑन क्वारंटाइन एंड ऑल ऑफ दैट थिंग वाज हैपनिंग, लॉकडाउन था. सो अच्छा लग रहा है, आई वांटेड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ग्लैम इफेक्ट इन माय अपीयरेंस टुडे एंड दैट्स हाउ आई हैव गॉन विद इट एंड आई एम हैविंग फन बिकॉज आई एम हैप्पी दैट अवार्ड फंक्शंस एंड एवरीथिंग हैज स्टार्टेड सो दैट थोड़ा थोड़ा व्हेन वी कैन गेट आउट. If he's comfortable, I would love to call. Have him. हाँ मैम बुलाइए, आप बुलाइए. कौन?